अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफीरा। मैं हूँ तहसीन और आप देख रहे हैं अफीरा तहसीन रिएक्शन। टर्किश आर्मी टेक्नोलॉजी, इस पर हमने पहले भी रिएक्शन किया। हम बहुत ही सरप्राइज थे दोनों जो उसमें लेजर दिखाई गई थी। तो अभी हमें एक और लिंक शेयर हुआ है और कहा गया कि हमारे रॉकेट्स भी बहुत अच्छे बन रहे हैं। हाँ। और कुछ रॉकेट्स तो ऐसे हैं कि जो रेंज बहुत लंबी है, और कुछ रॉकेट्स पे ऐसे टेस्ट हो रहे हैं जो खला में जा रहे हैं, और उनके भी कुछ टेस्ट किए जा रहे हैं। तो उसके बारे में एक जो है वीडियो रिसीव हुई है, तो उसको फ़ौरन चलाते हैं। लेकिन उसको चलाने से पहले जो लोग नए आए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। और अगर आपको रिएक्शन पसंद आए तो उसको लाइक भी करें और शेयर भी कर दें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चले फ़ौरन देखते हैं इस वीडियो में क्या दिखाया गया है। बिल्कुल, ये लॉन्च हो रहा है रॉकेट। टेस्ट ले रही सन द वही है रॉकेट सन। हाँ वाह, इतना खूबसूरत है, बहुत छोटा सा है। हाँ वाह, ये इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियन। ये फ्यूल भर रहा है। हाँ कुछ होगा इसका, वो देख। अच्छा ऐसे ही सीधा प्लेटफॉर्म से उड़ेगा। वाओ यही सही। हाँ ये पावरों की पूरी जर्क हुई होगी। यो आवाज देखिए, आवाज देखिए, साउंड कितनी पावर है उसकी। और देखो उसने कितना दूर तक उसके फ्लैश गए हैं। वो जो रॉकेट है ना, मुझे वैसे ही ज़्यादा पसंद। हाँ वाह, सारे एंगल से दिखाया वो दूर से। वो स्पीड देखो उसकी, ओ गॉड स्पीड कितनी तेज है, और कितनी दूर तक आवाज़ आई उसकी। हाँ पूरा ये दूसरा चेन जो चेंज हुआ ना पीछे से। अच्छा मुझे ये समझ नहीं आती जी, ये तो उतारते हैं, ये जाता किधर है? ये जमीन पे गिरता है या खराब गिर जाता होगा? जमीन पे गिर जाता होगा। ये अंदर भी कैमरा लगा हुआ है, ये खला में आ गया। हाँ खूबसूरत लग रहा है। ये जमीन आ गई नजर, और सामने सूरज, पूरी जमीन ब्यूटीफुल। वो सामने क्या है? रॉकेट सन। वाओ मजा आ गया, कितना अच्छा, एक बड़ा ही सुकून से आराम से जैसे कोई वो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। हाँ। और उसको इतना अच्छे तरीके से बनाया है, इतने वो कॉन्फिडेंट हैं कि वो उनका जो टेस्ट है वो हमेशा कामयाब हो जाता है। और वो खला में पहुंच गया रॉकेट, और उसकी पूरी फुटेज भी उन्होंने दिखा दी। तो जाहिर बात है फुटेज ऐसे ही मिली है कि वो रॉकेट वापस भी इनके पास आया होगा, या पूरा इसका जो है वो कंप्लीट हुआ होगा टेस्ट। क्यों फिर बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। और जब वो जो उन्होंने टेक ऑफ किया है उसने, और वो जो पूरी की पूरी यानी कि क्या थी, क्या उसका ब्लास्ट उसका जो होता है जो उसका, हाँ और बहुत ज़्यादा था। बिल्कुल बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हुई होगी, और बहुत अच्छा लग रहा था। और कितना कितने एंगल से दिखाया गया, क्योंकि वो इतनी मेहनत है, आपको उन्होंने पिक्चर करते हैं उसको शूट करते हैं प्रॉपर, और उसके अंदर भी कैमरा लगा हुआ था, उसके अंदर भी कैमरा लगा हुआ। उसका एक पार्ट उसका अलग हुआ, लास्ट पार्ट उसका अलग होता है, उसके बाद वो फिर खला में जाके वो दूसरे ईंधन पे चलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, तो वो सारा कुछ उसमें दिखाया गया। लाइट्स है, ये सैटेलाइट का ही हिस्सा है। ये हाँ। बेसिकली टेस्ट होते हैं, इसको भेजा जाता है सैटेलाइट के ऊपर, वहाँ पर उनको टेस्ट किया जाता है कि ये कितनी स्पीड में गया, क्या क्या हुआ, ये सब उसके टेस्ट वगैरह होते हैं। हाँ। और इसका यकीनन टेस्ट ये कामयाब है, और इनके सैटेलाइट का ही सारा इसमें अमल दखल होता है। जैसे कि हमारे जो इनके ड्रोन्स हैं वो भी सैटेलाइट के साथ चल रहे होते हैं, सबका सैटेलाइट का बहुत बड़ा अमल दखल होता है हर चीज़ में। तो बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, हमेशा सरप्राइज करती है हमें टर्किश आर्मी और टर्किश टेक्नीशियंस, उनके इंजीनियर्स साइंटिस्ट
बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल तो ये इसका ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिन्होंने वीडियो को दोबारा देखना वहाँ जाकर देख सकते हैं। ये रॉकेट सन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इनके साथ साथ हमें भी लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहा करे। इसी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियो के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घरों में महफूज रहेगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।